नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी हिंदुस्तान मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि गलती से भी सुबह सुबह ये एक काम ना करें जिससे आती है भयंकर कंगाली और बर्बादी। दोस्तों उससे पहले आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, झूठ बोलना उतावलापन दिखाना, छल कपट मूर्खता अत्यधिक लालच करना, अशुद्ध और दयाहीन ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। दोस्तों भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। दोस्तों पुत्र वे हैं जो पिता के भक्त हैं, पिता वही हैं जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मित्र वही हैं जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति प्राप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर के पास दूध भरा हुआ हो। दोस्तों बुरे मित्र पर अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्य को प्रकट कर सकता है। मन के विचारों मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदाई है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी कष्ट दूसरों के घर पर रहना है। हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती, साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे उनके शत्रु हैं, ऐसे अपर बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता है। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और तारणा से गुड़ी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि तारणा का भय रहेगा वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। एक श्लोक आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। स्त्री का वियोग अपने लोगों से, अनाचार कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा ये सभी अग्नि ना होते हुए भी शरीर को जला देते हैं। दोस्तों नदी के किनारे खड़े वृक्ष दूसरों के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वेश्याओं का बल उनका धन और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा करना है। दोस्तों वेश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलरहित वृक्ष को, अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं वे भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ करने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है। दोस्तों मित्रता बराबर वालों में शोभा पाती है, नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं वो काम जो सुबह सुबह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह बात तो हम सब मानते हैं कि अगर हमारी सुबह शुभ कार्यों के साथ हो तो हमारा पूरा दिन
अच्छा गुजरता है। अक्सर हम अपने आसपास की ढेर सारी बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसका हम पर सीधा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी सुबह के साथ ही पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के वे उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही आईना देखने की। वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दिन भर आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रह सकता है। इसकी वजह यह है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका शरीर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होता है, इसलिए आप आलस महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेश होने के बाद आईना देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था वो एक काम जो सुबह सुबह गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिसको करने से आपका घर बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के